सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेजरी नोट और बॉन्ड के दरमियान जो डिफरेंस है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखिए, ट्रेजरी नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में टी नोट्स भी कहते हैं और बॉन्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में टी बॉन्ड भी बोल सकते हैं। देखिए, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, बस टाइम पीरियड का फर्क आ जाता है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। बॉन्ड और ट्रेजरी नोट दोनों डेट सिक्योरिटीज होती हैं। गवर्नमेंट को या किसी भी कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो मोस्टली टी नोट्स और बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, बजाय किसी को शेयर इशू करने के, बजाय किसी बैंक से लोन लेने के। वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम नोट्स या बॉन्ड इशू कर दें। तो लोग इसको इशू करके वो फाइनेंस इकट्ठा कर लेते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और लोग इसको खरीद लेते हैं। जो इशू कर रहे होते हैं हम उनको ईश्वर बोलते हैं और जो अपने पास खरीद के रख लेते हैं हम उनको होल्डर बोलते हैं। लाइक नोट्स होल्डर हो गया, बॉन्ड होल्डर हो गया। अभी बात आ जाती है कि लोग इसको क्यों खरीदते हैं, लोगों को क्या बेनिफिट होता है। लोगों को ये बेनिफिट होता है कि लोगों को नोट्स या बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, अजाफी मुनाफा दिया जाता है। और साथ में जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उनको जो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट है जितने में उन्होंने खरीदा है वो भी वापस कर दिए जाते हैं। इसलिए लोग इसको खुशी खुशी खरीद लेते हैं। लेकिन टी नोट और टी बॉन्ड दोनों एक ही तरह के शेप में होते हैं। दोनों एक पेपर की फॉर्म में, एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं और जो इसको इशू करता है उनकी उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है और साथ में लिखा होता है कि इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है। लाइक ये टी नोट या टी बॉन्ड, इसकी वैल्यू 1000 रुपये है, ये इतनी नेटवर्थ रखता है और इसका कितनी देर, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना है, ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये और टी नोट जो होते हैं ना, उनका टाइम पीरियड जो होता है 10 साल से कम होता है। मतलब 10 साल से कम पीरियड के लिए जो भी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा हम उनको, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिले और मैच्योरिटी टाइम पीरियड 10 साल से कम हो, उसको हम टी नोट्स बोल सकते हैं। और 2 साल से ज्यादा होना चाहिए, 2 साल से ज्यादा और 10 साल से कम, इनके दरमियान में जो सिक्योरिटी इशू की जाएगी उसको हम टी नोट बोलेंगे और जो 10 साल से ज्यादा जिसका टाइम पीरियड होगा उसको हम बॉन्ड बोलेंगे। तो इनके दरमियान में ना मैच्योरिटी लेंथ का फर्क आ जाता है, इनकी लेंथ में थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी इनका लॉजिक सारा सिमिलर है, इनकी सिमिलरिटीज है इनके दरमियान। आई होप आपको इनका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।